मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मेरा देश भर का 110 दिन का जो दौरा चल रहा है, इसके तहत ये 3 दिन का हरियाणा प्रदेश का जो दौरा है, इसी के अंतर्गत पार्टी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। ये 3 दिन का प्रवास पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, हर बूथ तक एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की रचना हो, उसके आयोजन के लिए, और अब तक जो काम हुआ है उसकी समीक्षा के लिए। मगर जब मेरा एक 3 दिन का दौरा हरियाणा में हो रहा है, उस वक्त एक ऐसा समय है जब देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 साल समाप्त होने जा रहे हैं, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर सरकार को कुछ समय में 3 साल समाप्त, तो दोनों सरकारों के 3 साल भी समाप्त होंगे। मित्रों, देश में नरेंद्र भाई की नेतृत्व में जो भाजपा की एनडीए की सरकार चली, उसने ये सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो 50 साल सरकार चलती है तब जाकर 2-3 काम होते। ये सरकार ने 3 साल में 50 ऐसे बड़े काम किए हैं जो बहुत बड़ी उपलब्धि, देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तब मानेंगे। सबसे बड़ी बात, 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए, और एक निर्णायक सरकार है, फैसले करने वाली सरकार है, और सुग्रथित नीतियों के आधार पर चलने वाली सरकार है। इसी के कारण ये सरकार परिणाम लक्षी सरकार बनी है। मित्रों, अर्थव्यवस्था की बात करें तो जब हमने शासन संभाला, अर्थव्यवस्था के हर पैरामीटर के ग्राफ ऊंधे मुंह गिर रहे थे। आज 3 साल के बाद भारत विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़ने का काम, लगभग 28 करोड़ गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के चूल्हे देने का काम समाप्त हो चुका है। करोड़ों गरीबों को सिर्फ 12 रुपए के मामूली प्रीमियम में 2 लाख का बीमा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 7.5 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगारी देने का काम, और उनको 10,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण बैंक से दिलाने का काम, सरल शर्तों पर दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक कर एक देश एक स्वप्न था, उसको सभी पार्टियों को, सभी दलों को, सभी सरकारों को साथ में रखकर, संघीय ढांचे की भावना को अक्षुण रखकर,
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज वास्तविकता में परिवर्तित किया है और लगभग 16 प्रकार के टैक्स और लगभग 30 टैक्स की इकाइयों को मर्ज करने का एक भगीरथ काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वन रैंक वन पेंशन का सवाल है, तब तक आजादी से अब तक कोई सरकार देश की सीमाओं पर अपनी जवानी गलाने वाले जवानों के लिए एक फैसला नहीं कर पाती। ऊंचे बर्फीली पहाड़ियों पर रहने वाला जवान, रेगिस्तान में देश की सुरक्षा करने वाला जवान और जंगलों में रहकर अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर देश को सुरक्षित बनाने वाला जवान खुद असुरक्षित महसूस करता था। वन रैंक वन पेंशन का काम एक ही साल में करकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जवानों का सम्मान करने का एक विनम्र प्रयास किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से एक ही फैसले ने भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। भारत अपनी प्रतिरक्षा के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए कोई भी साहसी कदम उठा सकता है। उसका उदाहरण दुनिया के सामने भारत की सरकार ने रखा है और प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश दुनिया को एक अलग दृष्टि से देख रहा है। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट 104 उपग्रह अवकाश में छोड़ने के साथ ही स्थित करने के साथ ही आज स्पेस की दुनिया में भारत ग्लोबल लीडर बनकर उपसा है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का बिल लेकर ये सरकार आई है, इसके लिए मैं बाद में बात करूंगा। 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचे, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है और 3 साल के अंदर करीब करीब 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया गया है और मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी। 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्यांक रखा है। 2022 तक हर घर में शौचालय पहुंचाने का लक्ष्यांक रखा है। लगभग 4.5 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। एक सोची समझी रणनीति बनाकर काले धन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की है। इसमें विदेशों में जो काला धन है उसके लिए एसआईटी बनाना, सारी प्राप्त सूचनाओं को एसआईटी को सौंपना, बेनामी संपत्ति के लिए कानून बनाना, नोटबंदी के माध्यम से अरबों खरबों रुपया जो धन कुबेरों के घर में पड़ा था, भ्रष्टाचारियों के घर में पड़ा था, उसको व्यवस्था में लाना, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए 20,000 जो मर्यादा थी कैश स्वीकृति की उसको कम कर 2,000 करना, साइप्रस मॉरिशस और सिंगापुर के रूट से जो विदेश से काला धन आता था वो संधियों को प्रीमैच्योर समाप्त कर वो रास्ता बंद कर देना, डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना, सेल कंपनियों पर कठोर कार्यवाही कर सेल कंपनियों के माध्यम से जो काला धन व्यवस्था में आता था उसकी रोक लगाना और अंततोगत्वा एक ही वर्ष के अंदर 91 करोड़ से ज्यादा नए करदाता जोड़ने का सफल प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं नहीं मानता आजादी के बाद काले धन पर इतनी श्रेणीबद्ध कठोर कार्यवाही किसी भी सरकार ने की होगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। शत्रु संपत्ति एक्ट वोट बैंक की लालच में लाया नहीं जाता था, हमने वोट बैंक की लालच छोड़कर शत्रु संपत्ति एक्ट लाकर एक कठोर मैसेज भेजने का प्रयास किया। जेनेरिक दवाइयों की दुकानों का एक जाला बुनकर 30% से 280% तक दवाओं को सस्ती
गरीबों को देकर एक गरीब को स्वास्थ्य अपना सुधार करने का नया अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जब दिल की बीमारी और स्टैंड रखने का समय आता था तब स्टैंड की कीमत 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक हुआ करती थी और उसको गरीब करा नहीं पा रहा। आज हमने 7,000 से लेकर 40,000 तक स्टैंड की कीमत करकर इसको दिल का इलाज करने के लिए एक नया रास्ता दिया। किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, आपदा रिलीफ को हर दृष्टि से 2 गुना 3 गुना करना, नीम कोटेड यूरिया, यूरिया के दाम कम करना, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से इरिगेटेड लैंड में बढ़ोतरी करना, ई मंडी के माध्यम से किसानों को अपनी उपज के ठीक से दाम मिले ऐसी व्यवस्था करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको एक सुरक्षा कवच देने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी मदद करने का काम किया है। मित्रों, 13वें वित्त आयोग की कालखंड जो यूपीए सरकार का आता है और 14वें वित्त आयोग का कालखंड जो एनडीए सरकार का आता है, इसमें लगभग लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी करने का काम किया है। 13वें वित्त आयोग में कुल मिलाकर 5 साल में 22,914 करोड़ रुपया मिलता था और 14वें वित्त आयोग में 5 साल में 57,323 करोड़ रुपया, मतलब 34,409 करोड़ रुपया की बढ़ोतरी, 2.5 गुना बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई। केंद्रीय योजनाएं जैसे मुद्रा लोन, स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ठोस कचरे का प्रबंधन, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि मार्केट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गोकुल मिशन, एनएचआई मिशन, इस प्रकार के कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे 19,098 करोड़ रुपया और देने का काम कर रहा है और उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत 14,500 करोड़, टोटल 3 साल में 67,691 करोड़ रुपया दिया गया है। लगभग 1,26,00,000 एलईडी बल्ब, 61,00,000 जनधन अकाउंट और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3,00,000 एलपीजी कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरी वार्ता के बाद इसका पूरा नोट आपको पार्टी की ओर से दे दिया जाएगा। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने भी एक पारदर्शक सरकार देने का प्रयास किया। हरियाणा में अब तक या तो कोई परिवार की सरकार चलती थी या तो कोई जाति की सरकार चलती। बहुत लंबे अरसे से हरियाणा वासियों ने हरियाणा की सरकार का अनुभव नहीं किया था। पहली बार मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबकी सरकार हरियाणा अनुभव कर रहा है। पारदर्शी भर्तियां जिसमें स्वजातियों को नौकरी देना या सगे वालों को नौकरी देना, इसको समाप्त करकर हरियाणा पुलिस, हरियाणा सिविल सर्विस, पटवारी, सिंचाई विभाग के अभियंता, शिक्षक, ये सारी भर्तियों को पारदर्शी कर जीरो करप्शन के साथ पहली बार हरियाणा में भर्तियां होगी। शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर लागू किया है, लगभग 35,000 लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गया, 91% लोगों को अपने मनपसंद स्थान देने का काम हुआ है। लिंगानुपात के लिए बहुत बधाई देने पात्र काम श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया है। इसको देश में 950 के साथ पहुंचाकर एक हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात लाने का प्रयास किया है। केरोसिन मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर सुवर्ण जयंती वर्ष में हरियाणा वासियों को
बहुत बड़ा तोहफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। इसके साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटराइजेशन करके ऑटोमेशन करकर बहुत बड़े भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। प्रत्येक खेत के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। देश में क्रांतिकारी परिवर्तन करकर पढ़ी लिखी पंचायतें देने का प्रयास भी हरियाणा सरकार ने किया है। ई पंजीकरण, ई स्टैंप ड्यूटी और एक ही छत के नीचे सारी औद्योगिक स्वीकृतियां देने का काम करकर बहुत बड़ा काम किया है। टोल टैक्स के बैरियर हटाए गए हैं, सीधा लाभ हस्तांतरण ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से किया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं और सतलुज यमुना लिंक के लिए भी हरियाणा के अंदर एक जागरूकता का काम किया है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में खुली शौच से मुक्त करने के लिए प्रयास किए गए। इस प्रकार से हरियाणा सरकार भी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो या युवाओं के लिए सुविधा केंद्र खोलना हो, हर जगह पे एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। मित्रों, अंत में मैं दो बातों पर विशेष ध्यान मीडिया के मित्रों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज देश के निवर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब बाबू ने एक व्यक्तिगत चिट्ठी प्रधानमंत्री जी ने प्रणब बाबू को लिखी थी, उसको सोशल मीडिया के साथ शेयर किया है। प्रधानमंत्री जी का जो भावुक पत्र है और प्रणब मुखर्जी जी का जो भावुक उसका प्रतिसाद है, वो बहुत समय के बाद इस देश में पार्टियों से ऊपर उठकर पद की गरिमा किस प्रकार से बढ़ाई जाती है, किस प्रकार से पद की गरिमाओं की ऊंचाई प्रस्तापित की जाती है, इसका एक उदाहरण है। प्रणब बाबू कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े नहीं थे, मगर उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब ना प्रधानमंत्री जी को कभी लगा कि प्रणब बाबू भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं, ना प्रणब बाबू को लगा कि ये कोई और पार्टी की सरकार है। अगर संविधान के दायरे में देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए दो नेता संविधान की मर्यादा के अनुसार एक दूसरे के प्रति सम्मान से काम करते हैं, तो किस प्रकार से दोनों पदों की गरिमा बढ़ती है, इसके लिए एक उदाहरण आजादी के बाद प्रणब मुखर्जी जी और नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया है। मैंने नरेंद्र मोदी जी का पत्र प्रणब बाबू ने सोशल मीडिया में शेयर करने के बाद पढ़ा। मोदी जी स्वयं स्वभाव से भावुक व्यक्ति हैं, मगर प्रणब मुखर्जी जी का जिस प्रकार से उन्होंने पत्र के अंदर प्रशंसा किया है, मैं मानता हूं कि आने वाले कई दशकों तक देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति व्यवहार और आदर क्या होना चाहिए, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित करने का काम किया है और इस सार्वजनिक जीवन को हर प्रकार से एक ऊंचाई देने वाला प्रयास है। मित्रों, मैं जब सरकार चलती थी तब भी कई मौकों पर सरकार के मंत्रियों से बात होती थी, प्रधानमंत्री जी से बात होती थी। प्रधानमंत्री जी सर्वदा एक पक्ष के रहे कि सर्वोच्च पद की गरिमा बचाई जाए, बढ़ाई जाए, और इसके कारण आज देश की राजनीति के अंदर एक बहुत अच्छा उदाहरण देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है। और दूसरी बात, देश के पिछड़े वर्ग को 1955 से एक मांग थी कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी जाए। देश के पिछड़े वर्ग से दायरे में आने वाली करोड़ों लोगों को संवैधानिक मान्यता मिलकर अपना सम्मान बढ़ाने की आस पड़ी। आज तक कोई सरकारों ने इसके दिशा में कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद एक प्रयास किया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता, इसके लिए एक संविधान संशोधन और एक बिल लेकर हम आए। लोकसभा में 20 बिल पारित भी हो गए। कांग्रेस ने राज्यसभा में
एक ऐसा अमेंडमेंट रखा कि जो अमेंडमेंट अगर करते हैं तो पूरा बिल ही कानूनी पचड़े में पड़ जाए। इसके कारण वो अमेंडमेंट को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने वहां रिकॉर्ड पर एक बात भी रखी कि संवैधानिक मर्यादा है जो आप सुधार लेकर आए हैं वो संविधान के आलोक में नहीं हो सकता, मगर फिर भी कांग्रेस ने जानबूझकर ये अमेंडमेंट पर आग्रह रखा और बिल को गिरा। परिणाम क्या हुआ? 1955 से लेकर आज तक देश का पिछड़ा वर्ग का नागरिक जिस सम्मान के लिए तरस रहा था वो सम्मान से और कुछ समय तक महरूम रहना। आज ये घटना के कारण, अपर हाउस में जो हुआ है उसके कारण कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता उजागर हो गई। सिर्फ पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात करने से पिछड़ा वर्ग का कल्याण नहीं होता, उसके कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर आप नहीं उठा सकते थे, कोई और उठा रहा था, तो उसको समर्थन करना चाहिए। और ऐसी चीजें देश में दलगत राजनीति से ऊपर उठानी चाहिए। मगर मुझे बहुत दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने अपर हाउस के अंदर इस बिल को गिरा दिया। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कमिटमेंट है पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, उनके सम्मान के लिए, कांग्रेस पार्टी कितने भी रोड़े अटकाए हम ये बिल को जरूर पास करवाएंगे, संसद के दोनों सदनों से पास कराकर एक कानून बनकर रहेगा। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। मगर मैं आज मीडिया के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि इतने सालों तक पिछड़ा समाज के लिए कुछ न करने वाली कांग्रेस जब हम करने गए तो किस प्रकार से रोड़े अटकाती। और ये जो चर्चा कांग्रेस के एक नेता राज्यसभा में लेकर आए अमेंडमेंट के माध्यम से, वो चर्चा प्रवर समिति के अंदर हो गई। प्रवर समिति के सदस्यों ने बताया था कि करने से पूरा बिल कानूनी पचड़े में पड़ जाए। उसके बाद भी अपर हाउस के अंदर इस चर्चा को खुला कर मैं मानता हूं मित्रों कि ये कांग्रेस की जो पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए रोड़े अटकाने की जो नीति है आज पूरा देश उसको जान गया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संवैधानिक संशोधन के लिए कमिटेड है और आने वाले दिनों में हमें संवैधानिक संशोधन दोनों सदनों से फिर से पास करने का प्रयास जरूर करेंगे। मुझे इतनी ही बात करनी थी। अब आप सब लोग सवाल पूछो। विधायक जो भाषा प्रयोग करे वो हमारे साथ चर्चा भी करते हैं
मगर सब एक बात के लिए सहमत है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार अच्छी चल रही है। मेरी सबसे बात हुई विधायकों की। अनिल बोर्ड, सर मैं अनिल बोर्ड, जीपी रोड बाय दक्षिणी हरियाणा ने आपको बहुत सीटें दी, ये पूरा दूसरा एरिया आ जाए, यहाँ पे बीजेपी को कैसे मजबूत करेंगे, कई जिले आप बिल्कुल खाली रहे, यहाँ के भाई यार क्यों सस्पेंस खुलवाना चाहते हैं, हम करेंगे ना, इसी के लिए तो मैं तीन दिन आया हूँ। संगठन की पूरी योजना बनी है, हर बूथ को मजबूत करने की योजना बनी है। जाट बेल्ट छोड़ दो, हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, हरियाणा के हर बूथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत। अध्यक्ष एक बार, दीपक शर्मा इंडिया न्यूज से, आपने देश के तमाम राज्यों में अलग अलग राज्यों में आपने प्रवास किया, हरियाणा की अगर हम बात करें तो आपने और राज्यों में भी वहां की सरकार की कार्यशैली कामकाज का कहना की आकलन किया, हरियाणा की बात करें पहली बार भाजपा की सरकार बनी, यहाँ की सरकार की कार्यशैली यहाँ के कामकाज जो अपने अन्य राज्यों से किस तरीके से भिन्न मानते हैं आप, ऐसे क्या कुछ ऐसे उपलब्ध है इतना तो बताया अभी कहाँ खो गए थे सब सुना और कुछ ऐसा मैंने बहुत कहा है भैया और आप सबको मालूम भी नहीं है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बुलेट चलती है।
जिसके हाथ में गन है उस पर बुलेट चलाओगे तो सामने से भी चले। लेकिन सर पाकिस्तान को पाकिस्तान के साथ क्या सलूक होना चाहिए, सवाल लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अंदर में तो कार्रवाई हो रही है आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो आका बैठे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? पूरे पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करने में इस 3 साल में जितनी सफलता मिल गई है इतनी कभी नहीं मिली, अलग थलग पड़कर पड़ा है पाकिस्तान। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया भारत का समर्थन कर रही है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, अरुण जी ने कह दिया। अशोक राज जी आप पूछ रहे थे, अशोक राज अध्यक्ष जी मैं एक मिनट भैया, एक मिनट, उसके बाद आप। मेरा सवाल है कि एक्सवाईएल के खड़े उनको पूछ रहे दो ना, आप समाप्त करके आप बोलो, बोलिए सुनाई पड़ेगा, बोलिए। अध्यक्ष जी मेरा सवाल है कि एसवाईएल का मामला हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट से जीत चुकी है, केंद्र सरकार को हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि सरकार का निर्माण नया कराया जाए, और ये मामला कब तक पूरा होगा, क्योंकि ये सर्वोच्च मामला है हरियाणा में जीवन मरण का प्रश्न। नहीं वो ठीक है कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों को साथ में बिठाकर एक बार पहले भी प्रयास कर चुके हैं और फिर से भी प्रयास करें। आप बोलिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान होगा और धारा 370 पर क्या स्टैंड है? देखिए जहाँ तक कश्मीर के समाधान का सवाल है, समस्या के समाधान का सवाल है, उसी की दिशा में तो कार्यवाही हुई है। कभी भी इतना हवाला करने वाले लोगों को पकड़ा नहीं गया था। टेरर फंड पर सबसे कठोर कार्यवाही अगर किसी एक सरकार ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। धारा 370 के लिए आपको भी मालूम है कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। अमित शाह जी, जिस तरह से आपने राज्यसभा में बात की, उस दौरान कई सारे ऐसे एमपी थे जिनको नॉमिनेट किया गया, चाहे हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, रेखा की, किसी भी, वो पूरे साल में करीबन 100 दिन भी पार्लियामेंट में नजर नहीं आते, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये डायनामिक चेंज होना चाहिए, ऐसे लोगों की सदस्यता पे विचार करना चाहिए? देखिए जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में योगदान के आधार पर उनको मनोनीत किया जा सकता है। अब इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, संसद पे इस पर ठीक ठीक बहस हुई। सर मनवीर जी, हाँ सर, मेरे 2 सवाल है आपकी परमिशन से। नंबर 1, ये जो आप 3 दिन का आपका यहाँ पे स्टे रहा, 47 से 90 की तरफ हरियाणा में भाजपा की सीट बढ़े, उसके लिए किस तरह की रूपरेखा अब निकल के बाहर आई है? एक दूसरा, अब 3 साल हो गए खट्टर साहब की सरकार को यहाँ पर, आप ही 3 दिन आ रहे हैं, आपने फीडबैक दिया, अब हरियाणा से जब आप किसी अगले स्टेट में जाएंगे तो ऐसी कौन सी 2 उपलब्धियां होंगी हरियाणा की जो आप वहां पर गिनवाएंगे? ट्रांसफर के लिए जो मनोहर लाल खट्टर ने पॉलिसी अपनाई है, मुझे लगता है न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश की सभी सरकारों ने इसका अभ्यास करना चाहिए। एक और केरोसिन मुक्त हरियाणा, ये साहस शायद कोई सरकार अब तक नहीं कर पाई। नमस्कार सर, मेरा सवाल एक ये है कि आप आज रोहतक आए, 3 दिन का प्रवास आपका यहाँ पे शुरू हुआ, तो जो यहाँ पर ये ग्वाली धरती है जहाँ पर जाट आरक्षण के तहत ये सबसे ज्यादा यहाँ पर असर देखने को मिला था, तो अब क्या माना जाए कि जाट आरक्षण के दौरान जो मांगे हुई थी और अभी भी जो जाटों की मांगे हैं उसको लेकर कुछ संगठन ने या पार्टी ने कुछ अब इसको लेकर चर्चा की? सरकार न्यायालय में इसका प्रयास कर ही रही, लंबित न्यायालय के माहौल खराब ना हो, तो इसके लिए पार्टी सांसदों के खिलाफ क्या करेगी? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, क्योंकि रोहतक में आप प्रवास कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से रोहतक काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री का भी गृह क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री का भी गृह क्षेत्र है, और
ये वही धरती है जो मोदी, जिस तरीके से मोदी में पूरा भारत हो गया था और रोहतक की जो सीट थी लोकसभा की वो आप लोग नहीं जीत पाए थे, अब 2019 का जो मिशन है उसके तहत किस तरीके की उम्मीद रखते हैं, क्या रोहतक जो है उसको कांग्रेस को बीजेपी कर पाएगी? हरियाणा के हर बूथ को हम मजबूत करने का प्रयास करें, उसमें रोहतक भी आ रहा है। आप चलिए कभी बताएंगे, बहुत बड़ा भाषण हो जाए। बस लास्ट क्वेश्चन जो है पीछे दे दो, पीछे लास्ट। मेरा क्वेश्चन अध्यक्ष जी से और चीफ मिनिस्टर जी से भी है, सिर्फ मुझे ही पूछिए। ठीक है, ठीक है, अध्यक्ष जी से है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। यस सर, यस सर। यहाँ पे सेकंड जोन से एक संत जो है वो पास्चर लैंड जो है ना उसको रिलीव करवाने के लिए एनक्रोचमेंट से, क्या फास्ट पे है, कॉमन लैंड, विलेज कॉमन लैंड होती है सर, पास्चर लैंड रेजिंग लैंड जो होती है, मैंने जजमेंट भी नहीं पढ़ी, समस्या क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं। चलिए मैं ब्रीफ में सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो लगातार कांग्रेस हर बार कहती है कि वेंडेटा, चाहे वो बोफोर्स का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, अभी भी जो कर्नाटक में उनका भी कहना है कि सब कुछ जो है वो वेंडेटा के थ्रू करते हैं। चलिए मैंने कहा, अरुण जी ने जवाब दे दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पत्रकारों का बहुत